वी आर टॉकिंग अबाउट द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक पार्टीशंस एलोकेशन स्कीम। मीनिंग वॉज दैट कि एक सिंगल मेमोरी जो है हमारी डिवाइड होती थी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के अराइवल के कारण, तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जब प्रोग्राम्स हमारे आते रहते हैं और पार्टीशंस फिक्स होते रहते हैं, तो एक टाइम समस्या ये आती है रनिंग सिस्टम पर कि जो छोटे छोटे स्पेस बचे हुए हैं वो मिलके तो काफ़ी सारा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कोई छोटा स्पेस कहीं पड़ा है, कोई छोटा स्पेस कहीं पड़ा है, इसको ऐसे मान लो कि जैसे खाली पहले जमीन पड़ी है, तो लोग आते गए, जिस किसी ने अपना समथिंग मकान बनाया तो 100 गज का बना लिया, किसी ने 200 का बना लिया, किसी ने बीच में जमीन छोड़ दी, तो जब मकान बन गए तो बीच बीच में छोटी छोटी जमीन छूट जाएगी। अब वो जो जमीन छूट जाएगी वो अनयूज्ड रहेगी जब तक कि उसको रिसफल ना किया जाए। तो इस तरह की जो समस्या है दैट इज कॉल्ड एज द फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या है, स्कैटर्ड स्पेसेस इनसाइड द मेन मेमोरी एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह पर छोटी छोटी मेमोरी के जो होल्स, दीज स्मॉल स्पेसेस स्कैटर्ड मेमोरी स्पेसेस आर कॉल्ड एज द होल्स। तो जो होल हैं वो सब मिलके भी मतलब अलग अलग जो पड़े हैं तो मिलके तो काफी हो रहे हैं वो, बट कोई एक सिंगल होल प्रोग्राम को ऑक्यूपाई करने में इनकैपेबल है। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन इज बेसिकली क्या है कि यू कैन रीड आउट दिस स्लाइड, तो आइडिया विल बी क्लियर टू यू। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि टुडे द नेटवर्क इज अगेन स्लो। चलो, तो मैंने तो क्या है यहाँ से शेयर कर रखा है, और जैसे ही अगर नेटवर्क आ जाएगा तो नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो समझते रहो, और बाकी मैं ये स्लाइड्स का कंटेंट्स तुम लोगों को दे दूंगा। तो अब शायद शो हो रहा होगा, नेटवर्क कुछ ठीक आया है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। हाँ, शो हो रही है अब स्क्रीन? नहीं सर, अच्छा ठीक है, चलो तो फिर मैं जब शो हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो एनी हाउ वी कैन मैनेज। तो जो होल बताया मैंने वो एक्चुअली क्या है कि जब प्रोग्राम रन हो रहे हैं और जब टर्मिनेट हो गए यानी प्रोसेस खत्म हो गया, तो जो स्पेस एलोकेटेड था, तो प्रोग्राम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं दैट इज अनदर मैटर, लेकिन जो स्पेस बचा हुआ है खाली वो इतना छोटा है कि उसमें कोई और प्रोग्राम नहीं चल सकता। तो ये जो मेमोरी वेस्टेज है दिस इज कॉल्ड एज द फ्रेगमेंटेशन।